नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा है, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी, सितंबर में कौन सी तारीख को होगी और क्या कुछ इसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सतपाल सिंह सत्ती का कांग्रेस पर निशाना। जी हाँ, सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी जानकारी ये भी आपके साथ साझा करेंगे। घर मकानों से सम्मान पूर्वक उतारे तिरंगा। जी हाँ, घर और मकानों से तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतारा जाए, ये एडवाइजरी जारी हुई है सभी के लिए कि सभी अपने छतों से तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतार दे, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो यह आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSV न्यूज को स्टार भेजें, ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 5 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात SMC शिक्षकों को मेडिकल और कैजुअल लीव भी मिलेगी। 5 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। ये शिक्षक काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2555 शिक्षकों को फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने शुक्रवार को भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरनेगी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ 18 साल पूरा कर पहली बार मतदाता सूची में शामिल नव युवा मतदाता भी मौजूद रहे। देश के प्रथम मतदाता ने युवाओं को मतदान का महत्व समझाया और कहा कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए मतदान बहुत आवश्यक होता है। वे 106 वर्ष के होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। 100 अंकों के आधार पर 51 आवेदनों में से 12 शिक्षकों का चयन किया गया है। 3 शिक्षकों को सरकार की गठित राज्य चयन कमेटी ने चुना है। बीते वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सोलन के शिक्षक कमल किशोर को इस बार राज्य पुरस्कार मिलेगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राजभवन शिमला में शाम 5:30 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रैलियां करेंगे। इन रैलियों की तारीखें जल्द ही तय की जाएंगी। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में इन रैलियों और अन्य चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ है। कीर्तिपुर निर्जंग फोरलेन की 1265 मीटर लंबी बन रही परियोजना की दूसरी सबसे बड़ी और कठिन टनल के वीरवार को दोनों छोर मिल गए। SDM घुमारमी राजीव ठाकुर ने बटन दबाकर टनल में आखिरी विस्फोट कर इसके दोनों छोर मिलाए। वीरवार को टनल के दोनों छोर मिलते ही मौके पर मौजूद इंजीनियर और कामगारों में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने भारत माता की जय और गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाए। इससे पहले निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव RD धीमान ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स बिलासपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि जल्द ही एम्स बिलासपुर में 150 बेड वाले आईपीडी की सुविधा का शुभारंभ होगा। हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है और उसका नेतृत्व भी कमजोर है। तभी चुनाव किसमें दिल्ली से कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल में कब्जा जमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेता आकर हवाई बातें कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व परेशान और हताश है। तभी 2 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हिमाचल के कुल्लू स्थित मनाली में भूंतर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेसहारा जानवरों की मौजूदगी को लेकर DC आशुतोष गर्ग काफी नाराज दिखे। वर्तमान में लगभग 750 बेसहारा जानवर सड़क पर विचरण कर रहे हैं। उन्होंने गौसदनों के संचालन और व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में साफ तौर पर कहा कि नगर परिषद और स्थानीय ग्राम पंचायतें इन बेसहारा जानवरों को
शीघ्र गौ सदनों में आश्रय दें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने पशु को बेसहारा छोड़ता पाया गया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बेशक सत्तारूढ़ भाजपा ने 5 साल में षड्यंत्र रचा हो, लेकिन विपक्ष का राजधर्म असली मुद्दों को चर्चा के लिए लाना है। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रसार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने शिमला में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, बागवानी, किसानी जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाह रही है ताकि इन पर राजनीतिक संवाद हो सके। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी लोगों ने अपने घरों, दुकानों सहित वाहनों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा लगाकर देश की आजादी का जश्न मनाया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने सम्मानपूर्वक तिरंगे को हटा दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी अपनी दुकान मकान और वाहनों से तिरंगे को नहीं उतारा है। ऐसे में पुलिस ने सम्मानपूर्वक तिरंगा उतारने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आजकल बरसात का मौसम है, ऐसे में कई जगहों पर पानी गिरने के कारण तिरंगा कहीं से फट गया तो कहीं झुक गया है। 15 अगस्त के बाद घर, दुकान और वाहनों से तिरंगा लगाना राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की अवहेलना है। फटी अवस्था में झुका हुआ तिरंगा फहराना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इन परिस्थितियों को देखते हुए बैजनाथ पुलिस ने तिरंगा सम्मानपूर्वक उतारने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज सुपर भारत के साथ। भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।